बुलंदशहर ब्रेकिंग। बुलंदशहर 56 किलो गांजे के साथ दो गांजा तस्कर गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत बताई जा रही है 8,50,000 रुपए। गिरफ्तार प्रदीप पर गांजा तस्करी के दो मुकदमे बताए जा रहे हैं दर्ज। बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस को गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। संजय कुमार सियाना की रिपोर्ट। दो गांजा तस्कर गिरफ्तार किए हैं, क्या पूरा मामला है? तो हम लोग, हमारी जो पूरे सर्कल की टीम है, गांजे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही थी। हमारे पास मुखबिर के माध्यम से सूचना थी कि कुछ लोग अवैध तरीके से जनपद में गांजा भिजवा रहे हैं। कल ही मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने कस्टमर्स, कुछ लोग जिनके बारे में पता चला, तो हम लोगों ने अपने कस्टमर्स बनाए और कल माल प्रोक्योर करने के लिए भेजा। ये दो व्यक्ति हैं सौरभ और प्रदीप उर्फ मोनू। ये दोनों लोग कल हमारा माल लेके आ रहे थे, हम लोग कस्टमर्स बने थे इनका। जब इन्होंने फिर माल की पहचान कराई तो फिर माल और गाड़ी सहित इन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया। इन लोगों के पास से कुल 56 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसी तो, और इन लोगों के खिलाफ फिर 8/20 NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज करके बाकी विधिक कार्रवाई करी जा रही है। इसी के साथ कहां सप्लाई करते थे लोग? ये लोग ला रहे थे आंध्रा से, ये आंध्रा का माल है और ये लोग सप्लाई अलग अलग जगह करते हैं। जैसे कि इनके कस्टमर्स मेरठ में भी, इनके कस्टमर्स नोएडा में भी। इनमें से जो एक व्यक्ति है प्रदीप, ये पहले नोएडा से भी 2021 में NDPS के मामले में ही जेल जा चुका है। सौरभ का ये पहला मुकदमा होगा। और कोतवाली नगर में भी कल 2 किलो 200 ग्राम करीब गांजा बरामद किया गया है और दो महिलाएं श्रीमती रेशमा और शन्नू, इन दोनों को कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जो प्रदीप है ये 2-3 सालों से कर रहा है। पहली बार 2021 में जेल गया था। इनकी जो बिक्री है वो 100 से 200 रुपए किलो गांजे के हिसाब से बेचते हैं। इसको जैसे कल वाले माल के लिए 15,000 रुपए मिल रहे थे, तो ये काम करता है किसी और के लिए और इसको हर सप्लाई करने पे फिर इसके रुपए बनने होते हैं। मैम, पूर्व में भी इन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? सिर्फ इनमें से एक जो है प्रदीप, उसका आपराधिक इतिहास है। नोएडा से ये जेल गया था और वो ये NDPS के।